Hello students, in our previous video of class 8, chapter number 2, exponent, we discussed some basic law of exponent. Now in this video we discuss some questions which is related to the law. Now question is given to you, that is you have to evaluate 2 raised to power minus 1 multiply 4 raised to power minus 1 is divided by 2 raised to power minus 2. First of all we observe this question carefully. आप देखोगे इसके अंदर negative exponent आ रहे हैं. कौन से exponent आ रहे हैं? Negative exponent. तो negative exponent को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे बेस का रेसिप्रोकल करके, यही लॉ होता है. तो लॉ क्या है? नेगेटिव एक्सपोनेंट, जो भी नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा ए रेज टू पावर माइनस एन होगा, तो क्या करेंगे? बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर क्या हो जाएगी उसकी? पॉजिटिव, दैट इज पावर हो जाएगी उसकी एन. नाउ यही वाला लॉ हम लगाएंगे, टू रेज टू पावर माइनस वन है, बेस का रेसिप्रोकल करेंगे तो वन अपॉन टू की पावर वन मल्टीप्लाई 4 is to power minus 1 है तो 1 upon 4 की power 1. अब power 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि power 1 तो means वो खुद number होता है same as it is, तो मैंने यहाँ power 1 नहीं लगाई है. Now divide हो रहा है ये 2 raised to power minus 2 से, तो इसका भी reciprocal करेंगे तो 1 upon 2 और power हो जाएगी positive, that is 2. Now इसको solve कर लेंगे, negative exponent से positive exponent में convert हो गया है. पहले bracket देखेंगे, bracket में ये दोनों rational number multiply हो रहे हैं. 1 को 1 से multiply करूँगा 1 एंड 2 को 4 से करेंगे तो 8. नाउ डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 की पावर 2 है, मतलब 1 अपॉन 2 को दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ऐसे लिखो 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2. नाउ 1 अपॉन 2 को जब 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करा तो 1 को 1 से करा 1, 2 को 2 से करा तो 4. तो ये आएगा 1 अपॉन 8 एंड डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 4. नाउ दो रैशनल नंबर अब डिवाइड हो रहे हैं. जब दो रैशनल नंबर डिवाइड होते हैं, रैशनल नंबर में अपने पढ़ा था, जब दो रैशनल नंबर डिवाइड होते हैं तो क्या करते हैं? पहले वाला रैशनल नंबर लिखते हैं, दैट इज 1 अपॉन 8, डिवाइड की जगह लगाते हैं मल्टीप्लाई का साइन और बाद वाले रैशनल नंबर का करते हैं रेसिप्रोकल, दैट इज 4 अपॉन 1. नाउ इसको सॉल्व करेंगे, 4 वन ज़ा 4 एंड 8 वन ज़ा 8, 4 के टेबल में 8 कैंसिल आउट हो रहा है, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, सो योर फाइनल आंसर इज 1 अपॉन 2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 raised to power minus 3 divided by, sorry, 3 raised to power minus 5 divided by 3 raised to power minus 7. 3 की power minus 5 divide हो रही 3 की power minus 7 से and ये फिर whole divide हो रहा है 3 की power minus 2 से. इसको again solve करना है तो सबसे पहले observe करेंगे कि कौन सा law लग रहा है. आप देखो base same में divide हो रहा है. जब base same होता है और operation divide का होता है तो law क्या होता है? a raised to power m divided by a raised to power n is equal to होता है a raised to power m minus n. means जब भी same base में divide का operation होता है तो power क्या करते हैं अपन? minus. तो वही वाला law लगाएंगे, 3 raised to power minus 5 divide हो रहा है 3 raised to power minus 7 से and divide हो रहा है 3 raised to power minus 2 से. तो इसके अंदर law लगा देंगे, जब दो सेम बेस वाले डिवाइड होते तो पावर क्या होती? माइनस. तो लिखेंगे 3 रेज टू पावर माइनस 5 एंड माइनस ये फॉर्मूले का जो लॉ के अंदर लगाते हैं और किसको माइनस कर रहे हैं अपन? माइनस 7 को. एंड दिस होल नंबर इज अगेन डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर माइनस 2. यहाँ पे लॉ लगा दिया आपने, जब भी दो सेम बेस वाले डिवाइड होते पावर माइनस होती है तो दोनों की पावर क्या कर दी? माइनस. अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3 रेज टू पावर माइनस 5 है एंड माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस, तो हो गया प्लस 7 एंड दिस होल नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 एस टू पावर माइनस 2. ना इसको सॉल्व करेंगे, अब माइनस 5 एंड प्लस 7 अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं एंड ग्रेटर नंबर का साइन लगाते हैं, तो 7 में से 5 गए तो 2 आएगा और ग्रेटर नंबर का साइन लगाएंगे तो प्लस का 2, तो आ गया 3 की पावर प्लस 2 एंड विच इज डिवाइडेड बाय 3 की पावर प्लस 2 विच इज डिवाइडेड बाय 3 एस टू पावर माइनस 2. अब देखो ये जब ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो अगेन एक बार और सेम लॉ लग रहा है, सेम बेस वाले हैं और ऑपरेशन हो रहा है डिवाइड. जब सेम बेस वाले नंबर डिवाइड होते हैं तो पावर क्या होती है? माइनस. जब सेम बेस वाले नंबर डिवाइड होते हैं पावर माइनस, तो उसको लिखूंगा 3 एस टू पावर 2 माइनस और आएगा माइनस का 2. क्या कर दिया? सेम बेस वाले नंबर जब डिवाइड होते तो पावर क्या कर दी? माइनस. भाई 2 की जगह तो 2 लगा और सॉरी 2 के प्लेस पे तो 2 लिखा, माइनस नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की जगह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो प्लस में. तो आंसर आ गया 3 रेज टू पावर 2
माइनस मल्टीप्लाई माइनस दैट इज प्लस 2, तो 3s to power 2 plus 2 आ गया 3s to power 4, मीन्स 3 को कितने टाइम्स रिपीट करना है, 4 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, नाउ 3 3 9 एंड 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 27 27 मल्टीप्लाई 3 इज 81, सो योर फाइनल आंसर इज 81। तो लॉ क्या है यहाँ पर, जब सेम बेस वाले डिवाइड होते हैं तो पावर क्या कर देंगे उनकी, माइनस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 9 raised to power 2x इज डिवाइड बाय 9 raised to power -5 = 9 raised to power 13। आपको एक रिलेशन दे रखा है 9 raised to power 2x, 9 की पावर दे रखी है 2x, ये डिवाइड हो रहा है 9 raised to power -5 से, और इज इक्वल टू में दे रखा है 9 raised to power 13, 9 की पावर दे रखी है आपको 13। आप देखेंगे क्या बेस सेम है क्या, हाँ बेस सेम, जब भी डिवाइड होते हैं तो पावर होती है माइनस, तो लिखेंगे 9 raised to power 2x minus 5 = 9 raised to power 13। सिंपल सा है, जब दो सेम बेस वाले डिवाइड होते हैं पावर माइनस होती है, पहले 2x लिखेंगे फिर माइनस को करेंगे माइनस 5 से, तो 2x माइनस ये फॉर्मूले का और ये माइनस 5। नाउ माइनस माइनस प्लस, तो आ गया 9 raised to power 2x plus 5 = 9 raised to power 13। अब देखेंगे दोनों तरफ बेस सेम है, जब भी ऐसा फॉर्म आ जाए दोनों तरफ बेस सेम हो इक्वल टू का साइन है तो पावर क्या करेंगे अपन, कंपेयर, क्योंकि बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर लेंगे, तो बाय कंपेयरिंग पावर, बाय कंपैरिजन कंपेयर करेंगे अगर पावर का, तो आएगा 2x plus 5 = 13। भाई बेस सेम है तो पावर भी क्या कर दूंगा मैं, सेम, दैट इज 2x plus 5 = 13। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 5 को उधर ले जाएंगे, तो आएगा 2x = 13 minus 5 दैट इज 8। सो x = 2 multiply और रखे डिवाइड हो जाएगा x upon 2 दैट इज 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, x = आ गया 4। नाउ दिस इज द रिलेटेड क्वेश्चन फॉर द लॉस, जिससे अपन लॉ सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।